आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप अपने गुर्दे की पथरी कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं नेचुरली। तो इससे रिलेटेड आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्ती होम रेमेडी शेयर करेंगे। तो यूजली जो गुर्दे की पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट वो इस तरीके से बनती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट्स वाले फूड्स कंज्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा इस तरीके के खाने खाते हैं जिसके अंदर ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि पालक हो गया या भिंडी हो गई या कीवी हो गया या बीट रूट या बादाम या चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जिस्म में जो है ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और वो फिर कैल्शियम के साथ बाइंड होके जो है वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर वो किडनी में जो है जाके स्टोन्स बना देते हैं। तो यूजली जो है किडनी स्टोन्स को आप प्रिवेंट करने के लिए, पहले तो आपको प्रिवेंशन ही करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो प्रिवेंट करने के लिए आपने ये करना है कि दिन में आपने तकरीबन 2.5 लीटर का तक पानी ज़रूर पीना होता है, वो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करें। उसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है वो भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि ORS का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर पोटेशियम या मैग्नीशियम सिट्रेट शामिल होता है, वो भी आप अपने जो है नॉर्मल रूटीन में ऐड करें ताकि जो है ऑक्सलेट के जो आपके स्टोन्स हैं किडनी के अंदर वो ना बन सकें। और उसके अलावा जो रेमेडी है ये आपने किडनी के स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट चाहिए बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने सबसे पहले तो आपने लेकिन इसमें लेमन जूस लेना है 4 ounces, ये काफ़ी सारा होता है, 4 ounces आपने जो है मेजर करके 4 ounces ही लेमन का जूस लेना है। और उसके अंदर आपने 2 tablespoon एप्पल साइडर वेनेगर के ऐड करने और 1 glass पानी के अंदर आपने इसको हल करके जो 1 बड़े glass पानी के अंदर आपने इसको हल करना है और आपने इसको दिन में 1 दफ़ा पीना है। लेमन जूस के अंदर जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो है वो जो स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के उसके साथ जाके रिएक्ट करता है और बाइंड हो जाता है और नतीजा ये होता है कि वो कैल्शियम सिट्रेट बना लेता है और जो ऑक्सलेट बाइंड होता है कैल्शियम के साथ उसको जो है वो हमारे जिस्म में से निकाल देता है। इस तरीके से जो है ये हमारे स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकता है। और प्रिवेंशन के लिए भी आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है लेमन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आपको अगर किडनी स्टोन से आप बचना चाहते हैं तो भी आप ये रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आपने 1 tablespoon लेमन जूस का लेना है और 2 tablespoon एप्पल साइडर वेनेगर के लेने, 1 glass पानी के अंदर हल करके आपने इसको अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर शामिल करना है। इससे अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। Thank you.